नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे से जुड़ी एक ऐसी अपडेट लेकर आया हूं जिससे सुनकर दोस्तों आपको बहुत बड़ी खुशी होने वाली है। दोस्तों हाल ही में रेलवे ने 4 जोड़ी ट्रेनों का संचालन किया है तथा दोस्तों 2 जोड़ी ट्रेनों के संचालन में विस्तार किया है। इसे दोस्तों जयपुर सीकर रिंगस रेवाड़ी नीमकाथाना नारनौल चूरू झुंझुनू लोहारू रेवाड़ी हिसार बठिंडा सिरसा श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों रेलवे ने हाल ही में जयपुर से रेवाड़ी के बीच वाया रिंगस नारनौल के रास्ते एक नई ट्रेन का संचालन किया है। दोस्तों इस ट्रेन को 25 फरवरी से 5 मार्च तक जयपुर से रेवाड़ी के बीच चलाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रेलवे ने जयपुर से सीकर के बीच एक डेमू स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है। दोस्तों यह ट्रेन 27 फरवरी से 4 मार्च तक चलाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों रेलवे ने रिंगस से रेवाड़ी के बीच एक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है जो वाया नारनौल नीमकाथाना के रास्ते चलाई जाएगी। दोस्तों यह ट्रेन 25 फरवरी से 4 मार्च तक रिंगस से रेवाड़ी जंक्शन के बीच चलाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों रेलवे ने सादुलपुर जयपुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का वाया हिसार के रास्ते सिरसा तक विस्तार किया है। दोस्तों इस ट्रेन को 25 फरवरी से 5 मार्च तक सादुलपुर से सिरसा तक विस्तार किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली अपडेट है जयपुर से लोहारू के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को वाया सादुलपुर हनुमानगढ़ के रास्ते बठिंडा तक विस्तार किया गया है। दोस्तों यह ट्रेन 25 फरवरी से 5 मार्च तक जयपुर से बठिंडा तक चलाई जाएगी। दोस्तों इन सभी ट्रेनों को रिंगस के पास खाटू श्याम जी के मेले को देखते हुए बढ़ाया गया है ताकि यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। दोस्तों ये सभी पैसेंजर टाइप की ट्रेन होगी और इन ट्रेन की टिकट हम हैंड टू हैंड रेलवे स्टेशन से भी ले सकेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।